हनुमानगढ़ जिले के नौहर में घने कोहरे के चलते शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां हादसे में 3 बारातियों की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर घायल हो गए। वहीं घायलों में भी 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। वहां से सुबह गाड़ी वापस आ रही नेरामल डाने जाने के लिए, उसमें 7 सवारी, 4 घायल हो गए, 3 खत्म हो गए। नहीं अभी तो कोई पता नहीं लगेगा, ये तो कोई ट्रक के साथ में हुआ है, ट्रक वाले भगा कर ले गया अज्ञात वाहन से। खबर है जब बारातियों से भरी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई तो 4 अन्य अभी घायल बताए गए हैं। शादी समारोह में भाग लेकर ये लोग लौट रहे थे तो नोहर भादरा सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नोहर से राकेश धामू फोन लाइन पर है। राकेश, जाना चाहेंगे यहाँ पर एक बारातियों से भरी बोलेरो की अज्ञात वाहन से भिड़ंत हो गई, क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि घने कोहरे के चलते शनिवार सुबह शादी की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में भी 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हरियाणा के पीजी मंदौरी से शादी समारोह में भाग लेकर बारातियों से भरी बोलेरो क्षेत्र के गांव नेहरा वाली ढाणी जा रही थी। इसी दरमियान भादरा रोड पर एक निजी कॉलेज के सामने यह हादसा हो गया और बताया जा रहा है कि सामने से आए ट्रक से बोलेरो की आमने सामने 3 जबरदस्त टक्कर हो गई, जिससे बोलेरो के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे का कारण है घना कोहरा भी माना जा रहा है। राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि नोहर में बारातियों से भरी बोलेरो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यहां पर हादसे का कारण घने कोहरे के साथ एक अज्ञात वाहन से टक्कर होना माना गया है। तो हादसे में 3 लोगों की तो मौत हो गई, वहीं 4 लोगों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जाँच कर रहा है।